So hi everyone, and I'm back again with something which is very, very personal and something that we all want to ask, maybe to seniors, maybe to colleagues, maybe to teachers. Wo kya hai? Making your own notes. Banane chahiye, nahi banane chahiye, kaise banane chahiye? What is the best way to do it, right? And I'm going to tell you a little secret, because that's what I said, that this is something very personal. Wo kya cheez hai? Personal hai mere apne notes. So yes, I'm going to tell you this, that I myself make my own notes even before, you know, when I have to teach you people. So notes ek bahut bahut special position lete hain in your exam preparation, and today I want to talk about ki kaise is a good way to do it. I hope you are able to imbibe some aspects of it and you will find it really, really worthwhile. So, you know, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए नोट्स बनाना एक ऐसा तरीका है विच हेल्प्स मी नॉट ओनली टू रिटेन स्टफ बट ऑल्सो हेल्प्स मी टू कनेक्ट द थिंग्स इन माई माइंड एंड एज अ फ्लो एज अ स्टोरी सो दैट आई एम एबल टू अप्लाई इट राइट नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक वन सेट ऑफ नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू टुडे एंड द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डू इज स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बट अभी हम टॉपिक पे इम्पॉर्टेंस ना देखे हाउ एग्जैक्टली यू नो आई वुड वॉन्ट टू डू इट वेन आई वॉन्ट टू टीच यू और एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ चलो सबसे पहले वी ऑल यू नो सिट विद लॉट ऑफ मार्कर्स एंड वी ऑल लाइक टू डू इट सो टॉपिक में कुछ खास बात नहीं है बट हाउ वी गो इन द फ्लो इज़ वॉट इज़ द की सो सबसे पहले वेन आई स्टार्ट क्या ज़रूरी है लिखना किस में करना है राइट सो इन्श्योर दैट योर नोट्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स सो द फर्स्ट पॉइंट इज हु इज़ एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डाउन स्क्रीनिंग सो डाउन स्क्रीनिंग हैज़ टू बी ऑफर्ड टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन नाउ इस बात में कुछ खास चीज़ नहीं लग रही है एंड इफ़ यू टेक यू नो किसी के भी फोटो कॉपीड नोट्स या somebody who is making notes and giving it to you, और वो चीज़ ऐसे लिखी होगी बट डू यू रियलाइज दैट when you are sitting in the live class, this sentence is much more than what you see here. So अगर आप मेरे साथ live class में बैठे हो ये खाली ऐसे ऐसे sentence नहीं जाएगा offered to all pregnant women. इसमें कुछ बहुत की बातें हैं which is what I want you to understand कि कैसे लिखना है नंबर वन क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है जब हम क्लास में टीचर के साथ बैठते हैं और टीचर बोलती है कि ये इम्पॉर्टेंट MCQ है आई वुड ऑलवेज पुट अ लिटिल क्यू देयर ठीक नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर हम एक पॉइंट को माइंड मैप की तरह कन्वर्ट कर सकें दैट विल बी इवन बेटर फॉर एग्जाम्पल ऑल द थिंग्स और MCQs जो इसके अराउंड पूछे जाते हैं अगर हम उसको यहीं पे माइंड मैप की तरह बनाना शुरू कर दें ठीक है सो ऑफर टू ऑल प्रेगनेंट वुमेन इज़ अ क्वेश्चन बाई इटसेल्फ लेकिन यही बात कैसे आएगी इसके बाद हम आंसर करेंगे वेन अगला पॉइंट होगा खाली वेन नहीं मेथड और फिर आएगा एप्लीकेशन ठीक है और मैं हमेशा अपनी क्लास में ये बोलती हूँ कि हम हर चीज़ को कुछ कुछ उसके लिए क्यूज यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के लिए हर जगह जहाँ भी आप नोट्स बनाओगे उसमें एक छोटा सा ए और सर्कल डाल सकते हैं सो दैट यू नो कि ये उस चीज़ का एप्लीकेशन है एप्लीकेशन मतलब वही बात MCQ में अलग अलग तरीके से कैसे पूछी जाएगी राइट मेथड एंड वेन सो ये चार चीज़ें हैं जो इस यू नो इस सेंटेंस के बारे में पूछी जाती हैं एंड दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू नाउ सो वेन डू यू ऑफर डाउन स्क्रीनिंग टू अ प्रेगनेंट वुमन सो ये आएगा इट शुड बी ऑफर्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट्सेल्फ ओके सो इट शुड बी ऑफर्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट्सेल्फ एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेथड क्या होगा सो सिंस दिस इज कनेक्टेड टू इट वी कैन फर्दर कनेक्टेड कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेथड क्या है देर आर समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ कंबाइंड टेस्ट एंड देन देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ डुअल टेस्ट सो डू यू सी कि माइंड मैप अपने आप आगे बनता जा रहा है कंबाइंड टेस्ट क्या है डुअल टेस्ट क्या है अब हम वो आगे लिखेंगे एंड सिमिलरली वी कैन कीप इंक्रीजिंग दी
नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस बात से आ रहे हैं एंड इट विल बी प्लेस्ड इन अ स्मॉल फॉर्मेट, जैसे कि मैं बताती हूँ. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट कंबाइंड टेस्ट, सो कंबाइंड टेस्ट कब करते हैं? सो कंबाइंड टेस्ट इज अ टेस्ट विच हैज टू कंपोनेंट्स, है ना. सो इट विल हैव अ डुअल टेस्ट एंड इट हैज न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी. यस, सो ये दोनों चीज़ें कंबाइंड टेस्ट के पैरामीटर्स हैं. अगेन व्हेन वी टीच इन क्लास वी वुड से इट्स अ क्वेश्चन. So let's put it there. It's a previous year question. It has been asked multiple times. हमें पता होना चाहिए कि combined test के components क्या हैं. ठीक, दूसरी बात, when should we do it? वही बात हो रही है. So first trimester is a broad answer. First trimester में exactly कब करना है combined test? So 11 to 13 weeks. और यही बात dual test के लिए भी valid है. राइट, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने कोशिश करना है कि जब हम नोट्स बनाएं वो नोट्स इस फॉर्मेट में हो कि हम उसे क्विकली रीड कर पाएं. सो या तो हम एल्गोरिदम्स यूज़ करें, या हम माइंड मैप्स यूज़ करें, या हम पॉइंट्स यूज़ करें. दैट्स वेरी वेरी एसेंशियल. और अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट बुक में भी हमने जो चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में वो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ही हैं. राइट, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई डेफिनेटली फील जो हमें ऐड करना चाहिए इस अगर ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया है तो हम ज़रूर क्लास में सुनेंगे बाई दी फैकल्टी कि ये INICT में आया है या ये NEET PG में आया है. एंड इट्स अ गुड आइडिया कि अगर हम वहाँ पर वो हिंट भी लिख लें. सो कंबाइंड टेस्ट और डुअल टेस्ट ये INI के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, PGI के फेवरेट टॉपिक्स हैं. सो यू नो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और उसमें INI लिखा है. सो ये एक चीज़ है जो मैं कर रही हूँ अपने लिए. आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनीवन एल्स. जब हम किसी के भी और रिटन नोट्स यूज़ करते हैं या फोटोकॉपी नोट्स यूज़ करते हैं वो एक किताब की तरह लिखे गए हैं और उसमें कुछ भी पर्सनल टच नहीं है. उसमें वो चीज़ नहीं है जो आपको ज़रूरत है. नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एक बार बन गए तो वो इतने प्रेशियस होने चाहिए कि ये कॉपी अगर गुमे तो डर लगना चाहिए कि अब मैं क्या करूँगी. राइट, सो दिस इज़ समथिंग विच यू आर गोइंग टू डू फॉर योर सेल्फ इन अ फॉर्मैट सो दैट योर नोट्स स्पीक टू यू और हर बार पढ़ने में उनको कम समय लगे. सो हियर आई वॉज टीचिंग यू हाउ टू डू अ माइंड मैप और इसी को हम कितना भी इलेबोरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब आगे लिखते हैं डुअल टेस्ट. तो डुअल टेस्ट के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? डुअल टेस्ट के दो कॉम्पोनेंट्स हैं. इट विल हैव HCG एंड इट विल हैव PAPI. और ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बिल्कुल है. एंड क्लास में जब मैं ये फैकल्टी से सुनूंगी या मैं आपको बताऊंगी वी विल से दैट तो मैंने यहाँ पर भी क्यों लिखा है. राइट, सो क्यों मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. आई कैन फर्दर ऐड कि INI है या NEET PG है. नाउ सिमिलरली व्हेन यू वांट टू गो फॉरवर्ड हमें ये देखना है कि व्हेन में क्या ये चीज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी पॉसिबल है. सो बिल्कुल पॉसिबल है. वी कैन डू स्क्रीनिंग इन दी सेकेंड ट्राइमेस्टर एज वेल. और जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो मेथड क्या है? सो वी आर स्टिल अंडरगोइंग दी मेथड कॉलम. सो सारे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास वो सारे मेथड में आ रहे हैं. व्हेन में सारा टाइमिंग आ रहा है और हम उस टाइमिंग को और स्पेसिफाई भी करते जा रहे हैं. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वी ऑल नो वी हैव अ क्वाड्रुपल टेस्ट. यस, अब क्वाड्रुपल टेस्ट के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? सो देर आर फोर कॉम्पोनेंट्स. देर इज अल्फा फीटो प्रोटीन, देर इज HCG, देर इज अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रायोल एंड देर इज इनहिबिन ए. क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये टीचर क्लास में स्पेसिफाई करते हैं तो आपने ये सारे हिंट्स क्लास के यूज़ करने हैं. सो जब मुझे कोई टीचर बोलता है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसमें हमेशा 2 स्टार लगाती हूँ. सो 2 स्टार मतलब दिस हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर मुझे कोई सोते हुए भी पूछे तो मुझे आनी चाहिए. राइट, सो अगर आप देखो ये नोट्स मेरे एक पर्सनलाइज नोट्स हैं और मैं इन नोट्स से बात कर पा रही हूँ. आई नो एग्जैक्टली कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ लिखी है. इसमें से द टीचर विल अगेन टेल यू कि बच्चे एग्जाम में आपको कैसे कंफ्यूज करते हैं. इंस्टेड ऑफ इनहिबिन ए वो ऑप्शन देंगे आपको इनहिबिन बी. वो आंसर गलत है. आई पुट अ क्रॉस ऑन इट
एंड आई हैव टू राइट डाउन कि ये सिली मिस्टेक मुझे नहीं करनी है. यस, सो एक ही टॉपिक आप एक्चुअली एक पेज में बहुत इजीली कंसाइज कर सकते हो और वही हमें सीखना है. यस, ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम कॉन्सेप्ट बुक करेंगे साथ ही साथ में उसे खोल के रखेंगे जब नोट्स बना रहे हैं, वेदर यू आर इन अ लाइव क्लास फेस टू फेस और इन अ लाइव क्लास ऑन द ईमेडिकोज ऐप, एंड यू विल सी यू हैव बीन गिवन वेरियस टेबल्स एंड इमेजेस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जैसे ही मैंने यहाँ न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी की बात की, द टीचर इज गोइंग टू टेल मी मोर अबाउट इट एंड वी हैव गिवन यू एम्प्टी स्पेसेस. मैं चाहती हूँ न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी के बारे में जितने भी एमसीक्यूज आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उनको इस इमेज के साथ ही एक जगह पर लिख लूँ. राइट, फॉर एग्जाम्पल वॉट इज द आइडियल टाइम टू डू इट. So ideal time is 11 to 13 plus 6, and again it's a previous year MCQ and specially asked in the Central Institute. So I'm going to write INI. ठीक, फिर दूसरा what is the cutoff value? So anything more than or equal to 3 mm is considered as increased. Is it an important? Yes, very important. इसलिए मैंने NT में शुरू में ही 2-star mark मार लिए हैं, because all the things about it are themselves asked as an exam. सो इमेजेस का इंफॉर्मेशन वहीं पे हमने इकट्ठा कर लेना है. राइट, नाउ डू यू सी द अदर इमेज हियर विच इज कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग, और ये है डायग्नोसिस के लिए. सो सिमिलरली यू हैव एम्प्टी स्पेसेस हियर, जो भी उसके बारे में एमसीक्यूज हैं वो हम वहीं पे जॉट डाउन करेंगे. ऑल्सो रियलाइज कि वेन यू हैव मेड योर माइंड मैप एंड वेन यू हैव मेड योर सेट ऑफ नोट्स विद दीज हिंट्स, राइट, देर आर अ कपल ऑफ अदर हिंट्स जो मैं हमेशा बोलती हूँ क्लास में यूज़ करो. फॉर एग्जाम्पल सी, सी इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी अ कॉन्सेप्ट, एंड एज आई सेड ए इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेशन. राइट, नाउ कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. कॉन्सेप्ट है जिसको हमें सिर्फ एक बार लगता है समझने में, एंड वंस इट इज़ क्लियर यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन. Application is something which is a twisted way of asking the concept, है ना. So for example हम ये देखते हैं, एक question आता है a lady with previous baby with Down syndrome. Right? What should be the advice to her? सो अब हमें समझना है कि हमने एक स्टेटमेंट करा था दैट यू नो डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग हैज़ टू बी ऑफर्ड टू ऑल वेमेन, मगर अब यहाँ पे मैम या हम लोग जब क्लास में होते हैं वी गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस एज वेल. सो यू कैन राइट दैट दिस इज अ PYQ एंड व्हाट शुड यू डू अबाउट इट. नाउ इसमें हमें समझना है बिकॉज शी हैज़ अ प्रीवियस बेबी विद डाउन सिंड्रोम, शुड शी बी ऑफर्ड स्क्रीनिंग? यस, स्क्रीनिंग हैज़ टू बी ऑफर्ड टू ऑल वेमेन, बट बिकॉज आर प्रीवियस बेबी वॉज डाउन सो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट विल बिकम बेटर दैन द स्क्रीनिंग टेस्ट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो एज अ डॉक्टर अब आपका एडवाइस रहेगा कि पहले इट इज़ बेटर टू गो हेड विद अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, बट स्क्रीनिंग टेस्ट गलत जवाब नहीं है. सो सी द वे वी हैव रिटन इट, दोनों ऑप्शन में होंगे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द क्लास, दिस इज हाउ यू हैव टू पुट इट, और ये है एप्लीकेशन. दिस इज द क्वेश्चन जो हम गलत कर सकते हैं एग्जाम में, है ना. सो डायग्नोस्टिक बिकम्स अ बेटर आंसर देन स्क्रीनिंग, और इसके आगे हम फिर ऑप्शंस रखेंगे अलग अलग एप्लीकेशंस के. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ पेशेंट रिफ्यूजेस डायग्नोस्टिक टेस्ट? सो इसमें खास बात क्या है विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड यू हैव टू नो इट. सो वी विल से रिफ्यूज क्यों करता है? बिकॉज इट इज invasive. So patient may be scared to go in for an invasive test. So इसीलिए वो refuse करता है. This is the reasoning. So यहाँ मैं डालूँगी R. These are some of the important things you should use because मुझे लगता है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इस तरीके से पढ़ने में और इस तरीके से पढ़ाने में. Right? Using these little hints for my own self, ये किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है, ताकि मैं जब इसमें से पढ़ूँ तो मुझे वो सब एक ही बार में समझ में आ जाए एंड आई एम नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड. नहीं तो क्या होता है इंटरनेट से पढ़ने में, फोटोकॉपीड नोट्स से पढ़ने में, बुक्स देने में,
सब कुछ वहाँ है बट कन्फ्यूजन कभी ख़त्म नहीं होता। हम चाहते हैं कि जब हम एक क्लास में बैठे हों, टीचर के साथ बैठे हों, उस चीज़ का खूब फ़ायदा उठाएं और उस टीचर के एक्सपीरियंस को यूज़ करें टू रिड्यूस आवर मिस्टेक्स। दैट इज़ द आर्ट ऑफ लर्निंग। सो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यू नो, जब मैं क्लास में बैठूंगी और टीचर बताएगी भाई रीजनिंग कौन से एग्जाम में आती है, वो INI में आती है। कई बार द INI पीपल आर आस्किंग द वाई बिहाइंड द थिंग्स एंड नॉट एग्जैक्टली द आंसर। सो ये एक ऐसी चीज है जो आपको समझनी है, लिखनी है, और एक बार समझ ली तो दोबारा पढ़नी भी नहीं है। सो एक टॉपिक को हम जितना कंसाइज कर सकते हैं एक पेज में, दैट इज़ द आइडिया ऑफ माइंड मैप। और आप इसको कितना भी ब्रॉड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट एमनियोसिंथेसिस, वी विल टॉक अबाउट CVS, और ये दोनों कंपैरेटिव रहते हैं। कंपैरेटिव मतलब CVS के क्या बेनिफिट्स हैं, एमनियो के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कौन से टाइम पे करना है, कौन से टाइम पे नहीं करना है। सो दिस इज़ समथिंग जो अगर मैं टैब्यूलेटेड फॉर्म में करूँगी तो बहुत ज़्यादा ही हाई यील्डिंग होगा, बहुत कम टाइम लगेगा और फटाफट आई विल बी एबल टू डू इट। सो एमनियो CVS हम एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में बनाएंगे और उसके सारे कंपैरेटिव पॉइंट्स एक ही जगह पे लिख देंगे। सो दैट अगेन व्हेन आई गो थ्रू इट, मेरे पास सब कुछ एक जगह पे है, इट विल हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी, है ना। नाउ दीज आर लिटिल थिंग्स दैट यू शुड इनकलकेट एंड इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू। अनदर थिंग दैट आई शुड टेल यू इज, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट बुक्स कि कैसे हमें पॉइंट्स की फॉर्म में यूज़ करना है, कैसे इमेजेस को यूज़ करना है, कैसे अपने लिए हिंट्स बनाने हैं। अब मैं एक और चीज़ पे आऊँगी और वो है, वंस यू हैव फिनिश्ड अ टॉपिक, या जब मैं एक टॉपिक ख़त्म करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सो लेट मी टेल यू दिस। वंस आई फिनिश अ टॉपिक, उसके बाद एक एम्प्टी पेज रहता है। ये एम्प्टी पेज ज़रूर छोड़ना है आफ्टर एवरी टॉपिक। क्यों? मे भी आज के क्लास में आई मिस्ड ऑन सर्टन थिंग्स, जो मैं या तो सुनते समय मिस कर दिया या मुझे उनका इम्पोर्टेंस नहीं पता लगा। बट व्हेन आई गो थ्रू द कॉन्सेप्ट बुक अगेन एंड नाइट, क्योंकि मुझे क्विकली आज का टॉपिक उसी दिन पढ़ना है, आई विल रियलाइज अरे इसमें लिखा है कुछ जो मैंने मिस कर दिया। सो जो भी आपके एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आप हर टॉपिक के बाद लिखोगे। बट वाई डू आई वॉन्ट इट टू बी लाइक दिस? सो हर टॉपिक के बाद मैं हमेशा एक एम्प्टी पेज छोड़ती हूँ ताकि मैं उसमें ये एडिशनल पॉइंट्स लिख पाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे सेग्रीगेट करना है द प्राइमरी मटीरियल गिवन बाय द फैकल्टी एंड द मटीरियल आई हैव कलेक्टेड। सो ये एडिशनल पॉइंट्स वो हैं जो मैं कलेक्ट कर रही हूँ एंड आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट देम। तो एक पेज से ज़्यादा नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम ने एक टॉपिक एक पेज में पढ़ाया है और आपने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि तीन पेज भर दिए। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? हमने अपने नोट्स को डाइल्यूट कर दिया। यस, अब हमें पता ही नहीं लगेगा क्या ज़्यादा प्रॉबेबल है आने का और क्या कम प्रॉबेबल है। एंड देन हमारी रिविजन सैक्रिफाइस होती है, हम सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाते और सामान बढ़ता चला जाता है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सीमित रखना है, इट हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड सो दैट यू डोंट डाइल्यूट योर ओन सेट ऑफ हैंड रिटन नोट्स। ऑल्सो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ जब आप क्लास में बैठे हो और नोट्स बना रहे हो उस टाइम पे हाइलाइटर नहीं यूज़ करें। अगर आपने भी देखा होगा मैंने पहली बार में हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है बिकॉज अभी मैं नाइव हूँ, मैं ये टॉपिक पहली बार पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता इसमें से क्या मैं भूलती हूँ, क्या मैं नहीं भूलती हूँ, क्या कितना इंपॉर्टेंट है। बट आज जब मैं दोबारा अपने नोट्स क्लास के बाद पढ़ूंगी, दैट्स वेन आई यूज़ हाइलाइटर्स। दिस इज़ एक्चुअली वॉट आई डू, राइट? और उसमें से आई विल ट्राई एंड सी हाईलाइट थिंग्स विच आई फील आर सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आती हैं। सो यू नो मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं सिर्फ जहाँ मैंने MCQ लिखा है उसको हाईलाइट करती हूँ, जहाँ मैंने MCQ लिखा है उसको हाईलाइट करती हूँ। क्योंकि इफ़ आई हाईलाइट एवरीथिंग तो मेरी जो सेकेंड रिविजन होगी या फर्स्ट रिविजन होगी, हाउ विल दैट टेक लेस टाइम? उसमें क्या होगा, आई विल अगेन बिगिन टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज ऑफ अ कॉपी, और वो एक बहुत ही नॉन डूएबल टास्क है। सो वॉट आई इंश्योर इज कि जब मैं दोबारा अपने नोट्स पढ़ूँ उस टाइम पे मैं हाईलाइटर यूज़ करूँ एंड आई कैन यूज़ टू। एक्चुअली मैं सिर्फ क्वेश्चंस को हाईलाइट करती हूँ, बट आप दो तरीके से कर सकते हो क्योंकि
एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जहाँ पे क्यू लिखा है उसका मतलब था पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हमने पिंक हाईलाइट कर लिया. और जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड है जो कि ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज हैं उनको मैंने ग्रीन मार्क कर लिया. सो अब क्या होगा, जब मैं अपने नोट्स रिवाइज करूँगी, मुझे पता है यार कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है मेरा फ्लो चार्ट क्लियर है, अब मुझे एग्जाम के पास सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है विच हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड और मैं उनको मिस नहीं कर सकती. सो आई विल डेफिनेटली गो थ्रू द क्यूज, आई विल गो टू द ग्रीन हाईलाइट्स, सो दैट मैं एप्लीकेशन वाले ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी मिस नहीं कर रही हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिस नहीं कर रही हूँ. ऑल्सो जैसे मैंने बोला कि एडिशनल पॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है. एंड दिस इज अगेन समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, एडिशनल पॉइंट्स आर थिंग्स विच डू नॉट हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. सो जब हम रिवाइज करेंगे हमारा पहला गोल रहेगा टू रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन द क्लास विद द टीचर एंड नॉट व्हाट वी हैव एडेड ऑन. ठीक है. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि जब हम एक टॉपिक ख़त्म करते हैं वी मस्ट प्लान अ स्पेस्ड रिविजन फॉर इट एंड दिस इज व्हाट आई यूज एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कशीट्स इन द कॉन्सेप्ट बुक. सो उसके लिए कॉन्सेप्ट बुक में वर्कशीट्स हैं और ये बहुत असेंशियल हैं. अब मान लो डाउन सिंड्रोम मैंने 15 दिन पहले पढ़ा था लेकिन आज मुझे रिवाइज करना है, आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम माई नोट्स, एक्चुअली मैं आज वर्कशीट करूँगी. सो वर्कशीट में देर आर दीज कॉलम्स जो मैं भरूँगी, जैसे कि डुअल टेस्ट में क्या क्या है. सो डुअल टेस्ट हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स विच इज़ गोइंग टू बी पैप ए विच इज़ गोइंग टू बी एच सी जी. ठीक है, कब करते हैं. सो इट कैन बी डन एनी वेयर बिटवीन 10 to 13 वीक्स, है ना. सो सिमिलरली न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी है तो उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हैं. ये वर्कशीट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं, दे आर बींग यूज फॉर स्पेस्ड रिविजन, दिस इज वॉट यू हैव टू नो. ऑल्सो एक और बहुत कॉमन चीज़ है जो विच आई फील कि हाँ ये प्रॉब्लम एरिया है, जब हम MCQs सॉल्व करते हैं तब क्या करें, वी माइट कम अक्रॉस सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सो जब हम MCQs करते हैं वी कम अक्रॉस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको भी हमें रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में ही ऐड करना है, बहुत डिटेल नहीं करना है. सो एक लास्ट चीज़ जो मुझे लगता है हम सबको प्रॉब्लम देती है वो है इन्फॉर्मेशन वेन वी सॉल्व MCQs. सो यहाँ मैं लिखूँगी DQB एक्स्ट्रा पॉइंट या टॉपिक, और इसको मैं एक बहुत ही कंसाइज वे में लिखती हूँ. सो अगर मुझे DQB में कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो मुझे नहीं आता है या जो टॉपिक मेरे नोट्स में नहीं है, उस टॉपिक को मैं बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे ऐड करती हूँ. दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रा थिंग जो मेरी प्रायोरिटी में लोअर डाउन होगा. सो ये सिर्फ एक बार देखेंगे, इस पर बहुत मेहनत नहीं करनी है. सो कॉमन चीज़ों पे, अनयूजुअल चीज़ों पे हम बहुत मेहनत नहीं करेंगे. सो दिस इज़ हाउ द नोट्स शुड बी, दे हैव टू बी क्रिस्प कंसाइज हाई यील्डिंग. पूरी रामायण और महाभारत नहीं लिख सकते हम, हमें अपने नोट्स को बहुत फ्रेंडली बनाना है, ऐसा बनाना है कि मेरे नोट्स मेरे हैं, है ना. हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी और क्यों लिखी गई है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज यू नो लिटिल थिंग्स दैट वी हैव एडेड, और कब मुझे किस बात को क्या इम्पोर्टेंस देनी है. एडिशनल पॉइंट्स को मिनिमम रखना है और वर्कशीट्स को स्पेस्ड रिविजन के लिए यूज़ करना है. सो आई होप आप लोग इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करोगे. डू राइट बैक टू मी इफ़ यू नीड एनी हेल्प ऑन हाउ टू डू द नोट्स सो दैट यू कीप देम कंसाइज क्रिस्प एट हाई यील्डिंग.